तो बिना किसी देर के आज हम लोग मिलते हैं गोपाल सर से और सुनेंगे गोपाल सर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। गोपाल सर। जी सर, मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा कि मेरा नाम गोपाल चौधरी है, मैं मधुबनी बिहार का रहने वाला हूँ। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लिया, खेतीबाड़ी का काम करते थे और गांव में ही रहते थे। कुछ दिनों के बाद मेरे एक रिश्तेदार को क्षत्रिय पार्टी से टिकट मिला, चुनाव लड़ने का मौका मिला और उन्होंने आकर के मुझसे कहा कि अगर आप लोग इस तरह से बैठे रहेंगे तो शायद हम ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे। बात समझ में आई और हमने भी निर्णय लिया कि नहीं, इन्हें मदद करनी है। और जैसे निर्णय लिया मदद करनी है और उनके साथ हम घूमने लगे, और संयोग की बात है कि वो इस चुनाव को जीत भी गए। जैसे चुनाव को जीत गए, हम और उनके संगत में और उनके करीब आ गए, उनके संगत में रहने लगे। लेकिन उस संगत में मैं आज दिल से एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सच्ची बात बताना चाहता हूँ कि जब उस संगत में हम गए तो मुझे कुछ बुरी आदतें लग गई। एक लत लग गई नशा करने की, झूठ बोलने की, इधर की बात उधर करने की, और मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हो गया हूँ, मैं बहुत कुछ इधर से उधर कर लेता हूँ, मैं समझदार हो गया हूँ। और धीरे 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 जब परिवार में ये सब बातें आने लगी तो परिवार में थोड़ा सा इसका गलत इंप्रेशन हुआ, परिवार में थोड़ा सा वाद विवाद ज्यादा होने लगा, अशांति ज्यादा होने लगा, तनाव बढ़ गया और जिंदगी इसी तरह से चल रही थी। अचानक 2004 ईस्वी में एक मित्र मेरे पास आते हैं और उन्होंने आरसीएम के बारे में बात किया। बात कुछ समझ में नहीं आया और कभी ऐसा भी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। उन्होंने कहा कि दुकान बदलने की जरूरत है। मन के अंदर में बहुत सारी बातें थी कि ये कंपनी का फंडा है, कंपनी फंसाने का फंडा लेकर के आती है। लेकिन कुछ दिन के बाद वो मित्र मेरे पास फिर आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ बाहर से मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आ रहे हैं, आप भी आइए और वहां पर टीवी चलेगा। ये बात जब मैंने सुना तो फाइनल कर लिया कि चलो गांव में रहते हैं, ये कभी कभी टीवी भी देखना गांव के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, तो टीवी देखने के बहाने वहां पर हम पहुंचे। जैसे हम वहां पर जाते हैं टीवी वास्तव में चल रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद टीवी बंद हुआ और एक लड़का आता है और सब लोगों को संबोधित करने के बाद अपना परिचय बताता है कि मेरा नाम संजय कुमार झा है, मैं पश्चिम नवटोली का रहने वाला हूँ, पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। लेकिन आज मेरे साथ साथ जो इस मीटिंग को लेने के लिए आए हैं वो आदरणीय कमलेश्वर राय जी हमारे गुरुदेव हैं। मैं आप लोगों के जोरदार गड़गड़ाती हुई ताली से सर को मैं इनवाइट करने वाला हूँ। पश्चिम नवटोली मेरे बगल में था। जैसे उन्होंने पश्चिम नवटोली का नाम लिया, थोड़ा सा जिज्ञासा बना और कुछ देर के बाद उस स्टेज पर कमलेश सर आए। मैं सर को सत सत नमन करता हूँ कि सर आए और अपनी कहानी बताए, अपने बारे में बताए और आरसीएम से अपने जो उपलब्धि है उस उपलब्धि के बारे में बताए। बात करने का जो स्टाइल है सर का बहुत अच्छा लगा, सुनने में बहुत अच्छा लगा। कहानी जो सर की है वो एकदम दर्द भरा कहानी है। एक लोगों के अंदर में, कमजोर लोगों के अंदर में हौसला देने का उस कहानी के अंदर में प्रेरणादायक चीजें हैं। जो आदमी इस परिस्थिति में अगर ये कर सकता है तो हमारी परिस्थिति तो कम से कम इतनी खराब नहीं है, निश्चित रूप से हम भी कर सकते हैं। बातें सर की अच्छी लगी लेकिन असंभव सा लग रहा था। मीटिंग के बाद सारे लोग चले गए, कुछ लोग रह गए जिसमें एक हम भी थे।
सर की इतनी मीठी बातें थी, इतनी अच्छी बातें थी, जो सर के पास बैठने का मेरा मन किया कर रहा था और मैं बैठा भी। लास्ट में एक बात हमसे हमने कहा सर से, कुछ और जानने के लिए, जानने के व्यू से हमने सर से कहा कि सर ये आरसीएम क्या है। लेकिन सर का जवाब अनोखा होता है, हम सभी लोग जानते हैं, अनोखे व्यक्तित्व के धनी हैं सर। सर ने एक बात कही कि आरसीएम क्या है, आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, जिसके पास साइकिल नहीं उसके पास में भी कार होते हैं, और जिससे कोई घर में भी बात करने वाला नहीं उसका भी पूरे हिंदुस्तान में जय जयकार होते हैं। ये बात इतने शालीनता के साथ सर कहे कि मेरे दिल के अंदर में उतर गया और मैंने एक निर्णय लिया कि नहीं, इस आरसीएम को करूंगा, और मैंने शुरू किया। लेकिन कहा जाता है कि जब हम शुरुआत करते हैं, मेरे पास यहाँ कोई पिकअप सेंटर नहीं होता था, इस तरह की कोई परचेजिंग व्यवस्था नहीं थी, इस तरह के लोग मोटिवेट करने वाले नहीं थे। आज जिस तरह से डिजिटल प्रोग्राम हम लोग घर में बैठ के देख रहे हैं, इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था। धीरे 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 हौसला पस्त हो गया और फिर एक बार हम बैक आ गए। हम बैक आ गए कि नहीं, ये सब कहने सुनने में अच्छा लगता है, ये उतना होता नहीं। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे जो मित्र थे उनके पास सर का फोन आता है। सर का फोन आता है कि आप लोग आइए, पटना में एक घटना घटने वाली है। और बहुत फोर्स किए और वो साथी मुझे फोर्स किया और हम चले गए पटना। पटना के मीटिंग में गए, वहां पर आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम था। पूरे प्रोग्राम का माहौल बिल्कुल शानदार था, अजब गजब का माहौल था। उस 3 घंटा के दरमियान में हमने बहुत सारे लोगों को उछलते हुए, बहुत सारे लोगों को ताली बजाते हुए, डांस करते हुए, बिल्कुल एक भी चेहरा मुझे ऐसा नहीं लगा जिसके ऊपर में कोई शिकन था, कोई गम काट, कोई निशानी था। सारे लोग उत्साहित थे, सारे लोग खुश थे, नजारा कुछ अलग था। उस 3 घंटा के अंदर में मुझे सिर्फ 2 बात समझ में आया, मैं 2 बात मुझे समझ में आया। पहली बात समझ में ये आया कि वाकई में इस बिजनेस से तो पैसा आता है। यहाँ पर एक बैंक मैनेजर, यहाँ पर एक डॉक्टर स्टेज पर आते हैं, यहाँ पर एक मजदूर क्लास का आदमी, यहाँ पर एक गरीब क्लास का आदमी, किसान आदमी, यहाँ पर एक बिजनेसमैन आदमी, सब तरह के लोग, सब कैटेगरी के लोग यहाँ पर आते हैं और अपने इनकम बताते हैं, और इतनी छोटी और इतनी बड़ी इनकम बताते हैं कि इसमें झूठ का कोई गुंजाइश नहीं हो सकता है। तो एक बात मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर पैसा आता है, ये बात मुझे समझ में आया। और दूसरी बात मुझे ये समझ में आया कि अगर इन लोगों को पैसा आ सकता है तो मुझे भी पैसा आ सकता है। ये 2 बात लेकर के बाद में हम सर से मुलाकात किए, कमलेश सर से हम मुलाकात किए, और सर से हमने कहा कि सर बिजनेस को करना है, चाहे किसी भी कीमत पर हो लेकिन बिजनेस को करना है, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना है मुझे, आप बताएं, आप मुझे आदेश करें मुझे करना क्या है। सर ने कहा कि सिर्फ 2 काम आपको करने पड़ेंगे। एक काम यह है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, और दूसरा काम यह है कि आप मीटिंग में आइए और लोगों को मीटिंग में लाइए। आप मीटिंग में आइए, लोगों को मीटिंग में लाइए। उस समय में फिजिकल मीटिंग होता था और सर का हमारे यहाँ प्रत्येक महीना का प्रोग्राम होता था। सर का कहना था, सर का नारा था कि हम इस मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में तब तक आएंगे जब तक इस मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हर एक झोपड़ी महल में न बदल जाए। और सर की बातों से मुझे मेरा हौसला बना, सर की बातों से मुझे विश्वास लगा, और सर के सहयोग से, सर के साथ से, सर के आशीर्वाद से ये मुझे विश्वास हो गया कि मैं भी एक दिन जरूर कामयाब हो जाऊंगा। आज सर की बातें, 2 बातें मैंने माना, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, और दूसरा कि मीटिंग में आना है, लोगों को मीटिंग में लाना है, मीटिंग में आना है, मीटिंग में लोगों को लाना है। आज अगर मैं इतना काम करने के बाद अगर मैं देखता हूँ तो कभी मेरा एक सपना होता था कि काश मेरे घर में भी एक मोटरसाइकिल होता। आज एक नहीं, 4-4 मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल ही नहीं है, इस बिजनेस से
मेरे अपने घर में कार आया, और ये भी एक घटना है। हम दिल्ली गए थे और दिल्ली में एक हमारे लीडर, आज वो दूसरे कंपनी में शायद काम कर रहे हैं, रामकृपाल सरोज जी, हमको मिले और उन्होंने हमको कार लेने की बात कही, जो लोन पर आप कार ले लीजिए, आपका लेवल आ चुका है। वहां से हम आए पटना, पटना होकर के आना था, कमलेश सर से मिले, मौर्य कॉम्प्लेक्स में चाय पी रहे थे। हमने सर से पूछा कि सर लोन कैसे मिलता है गाड़ी पर, सर ने कहा कि लोन लेना है कि गाड़ी लेना है, और हमने कहा कि गाड़ी लेना है। चाय पिए और मौर्य कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने में अपोजिट साइड में मारुति का शोरूम था, और वहां पर सर हमको ले जाते हैं मारुति के शोरूम में, और सर हमको कहते हैं कि इसमें से गाड़ी पसंद कीजिए, कौन सी गाड़ी लेना है। हमने कहा कि सर क्यों मजाक कर रहे हैं, सर ने कहा आप पसंद कीजिए। हमने कहा सर क्यों मजाक कर रहे हैं, तुरंत हमने अपने घर फोन लगाया, हम अपने लड़का को फोन लगाया, कहा कि देखो एटीएम में कितना पैसा है, 1,60,000 था मात्र। सर ने कहा कि आप अपने लड़का को ड्राइवर लेकर के एटीएम कार्ड लेकर के भेजिए, और इधर से हम गाड़ी आपको भेज देते हैं। और बस चाय पीते पीते अपने घर में एक कार आ गई। आज किसी भी चीज की कमी नहीं है। आज जो हम अपने जीवन में 500 रुपया महीना कमाने की ताकत नहीं रखते थे, यदि कमाते थे तो इधर से उधर करके कमाते थे, वो भी कमाते थे, इधर से उधर करके कमाते थे, लेकिन आज इस सिस्टम ने मुझे दिया कि आज पैसा कमाना स्टार्ट किए। और आज अगर मैं प्रत्येक महीना की बात करूं तो 1,00,000 रुपया से ऊपर अपने घर प्रत्येक महीना आता है। आज कहां से कहां तक इस सिस्टम ने पहुंचा दिया, तो इस सिस्टम के अंदर में ताकत है। आज मैं धन्यवाद करता हूं अपने गुरुदेव आदरणीय कमलेश्वर राय जी को, आज मैं धन्यवाद करता हूं अपने गुरुदेव बीके मिश्रा जी को, आज मैं धन्यवाद करता हूं, सत सत बार नमन करता हूं अपने ग्रेट अपलाइन अजित कुमार वर्मा जी को, मैं धन्यवाद करता हूं जहां भी हैं आदरणीय संजय कुमार झा जी को, जिनकी एक कई बातों से मुझे प्रेरणा मिली, कई बातों से उनके बातों से मुझे बल मिला। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें हमारे अंदर में है, उनके विचार हमारे अंदर में। मैं सत सत नमन करता हूँ आदरणीय केसी छाबरा जी को, बीसी छाबरा जी को, और मैं सत सत बार नमन करता हूँ इस सिस्टम के रचनहार आदरणीय टीसी छाबरा जी को, जिन्होंने आज लाखों करोड़ों लोगों को एक रास्ता दिया, जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी बदलने का माध्यम बनने का मौका मिला। आज बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदला है, कुछ लोगों के कारण से आज हमारी भी जिंदगी बदली, और मैं विश्वास दिलाता हूँ बस एक बात हमें ध्यान रखना है, एक बात हमें ख्याल रखना है। बहुत सारी बातें आपके अंदर में आएगी, लेकिन आप एक अपलाइन को पकड़ करके, हमारे अजित कुमार वर्मा जी कहते हैं जिंदा गुरु, जिंदा गुरु को पकड़ करके अगर हम चलते रहेंगे, कभी आपको लगेगा, वो आपको लगेगा लेकिन होगा नहीं, उस अपलाइन का आप उंगली पकड़ लीजिए। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, 16 मिनट शायद हो गए, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि एक जगह एक मेला लगा हुआ था, और उस मेला में सब कुछ था, खिलौना था, झूला था, मिठाइयां थी, सारा कुछ उसके अंदर में था, और एक बच्चा अपने माँ का उंगली पकड़ के उस मेला का आनंद ले रहा था, खिलौना खरीद रहा था, झूला झूल रहा था, मिठाइयां खरीद रहा था, वो बच्चा बहुत खुश था। लेकिन अचानक उस मेला के अंदर में एक भगदड़ हो जाता है, कुछ देर के लिए भगदड़ हो जाता है, और फिर कुछ देर के बाद वो भगदड़ समाप्त हो जाता है, और मेला फिर से लग जाता है, उसमें फिर से झूला लोग झूलने लगते हैं, मिठाइयां की दुकान चालू हो जाती है, खिलौने बिकने लगते हैं, लेकिन उस बच्चे का चेहरा के ऊपर में रौनक गायब रहती है। झूला वही है, मेला वही है, मिठाइयां वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन उस बच्चे के हाथ से उसके माँ का उंगली छूट जाता है, मेला रहने के बावजूद भी रौनक खत्म हो जाता है। ये जो माँ का उंगली है, अपलाइन, इस बिजनेस के अंदर में माँ के समान होती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने सिर्फ एक काम किया, अपने अपलाइन का, अपने माँ का उंगली पकड़ लिया, और यहाँ तक आ गए हैं, और आगे डायमंड तक मुझे दिख रहा है कि जरूर हम चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से मेरा मैसेज यही होगा कि बस अपने आंख में अपने अपलाइन का नजर में आ जाना है, अपने अपलाइन का उंगली पकड़ लेना है, कामयाबी आपके कदमों तले होगी, कामयाबी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, कामयाबी आपके आपके पास चल करके आएगी।
और जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने सीखा है, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है निश्चित रूप से। और मैं सभी साथियों को एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे आपने इतना बोलने का मौका दिया, आज मुझे अपने बारे में कुछ बताने का मौका दिया। आज पूरे हिंदुस्तान को मैं दिल से नमन करता हूँ और फिर से एक बार अपने गुरुदेव, अपने मेंटोर आदरणीय कमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छी तरह से अपनी कहानी बताई, और दोस्तों गोपाल सर की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और जब गोपाल सर एक किसान परिवार से, एक गरीब परिवार से आकर इस स्थिति में पहुंच सकते हैं, तो आप सभी पहुंच सकते हैं। गोपाल सर ने किया क्या, बस अपने अपलाइन को फॉलो किया, और अपलाइन ने सिखाया क्या, गोपाल सर से और कुछ हमने नहीं कहा था। हमने कहा था गोपाल सर मीटिंग में आइए, मीटिंग में लोगों को लाइए और यही बात लोगों को सिखाइए, आप एक दिन 100% कामयाब हो जाएंगे। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी मीटिंग में आए, लोगों को लाएं और यही बात लोगों को सिखाएं। और गोपाल सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लें मजबूती से, आपका अपलाइन अपने से आगे आपको पहुंचा देगा। आज गोपाल सर की कहानी खत्म हुई।